ज्ञान पापी की सर्वे रिपोर्ट का सभी को इंतजार है, लेकिन ये इंतजार आज और लंबा हो गया। आज जब कोर्ट में सुनवाई हुई तो मुस्लिम पक्ष के अलावा एएसआई ने भी सर्वे रिपोर्ट को 4 हफ्ते तक सार्वजनिक न करने के लिए कहा है। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक करने को लेकर बुधवार को जिला जज की कोर्ट में सुनवाई हुई। हिंदू पक्ष की ओर से याचिका दाखिल करने वाली महिलाओं और वकीलों ने रिपोर्ट की हार्ड कॉपी मांगी थी। इस पर एएसआई ने इसे सार्वजनिक ना करने की अपील की, कम से कम 4 हफ्ते तक रुकने की अर्जी लगाई। एएसआई का कहना है कि लोअर कोर्ट में भी सर्वे की द्वितीय प्रति दाखिल किया जाना है, इसमें कम से कम 4 हफ्ते का समय लगेगा। ऐसे में 4 हफ्ते तक रिपोर्ट को सार्वजनिक न किया जाए। सर्वे रिपोर्ट की ये हो गया कि एएसआई के अधिवक्ता अमित कुमार श्रीवास्तव जी ने ये जो है 4 हफ्ते का समय मांग रहे हैं, जिसमें चूंकि मुकदमा नंबर 2091 में सर्वे का आदेश हो चुका है, उसमें 2 तहखाने हैं ताकि उसका भी सर्वे हो सके। और दूसरा चीज, विष्णु शंकर जैन जी ने जो सुप्रीम कोर्ट में वाद दाखिल किए ताकि जो खाना में जो शिवलिंग मिल गया है उसकी सफाई का भी आदेश, ताकि पूरा एक साथ काम हो सके, इसीलिए जो है ये 4 हफ्ते का समय जो मांगा गया है। वहीं मुस्लिम पक्ष ने किसी भी हालत में रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करने की मांग पहले ही की है, जबकि हिंदू पक्ष हर हाल में रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग कर रहा है। हिंदू पक्ष का तो यहां तक कहना है कि एएसआई ने सर्वे की रिपोर्ट सीलबंद पेश करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है। सप्ताह का रिपोर्ट को लेकर के उनके अधिवक्ता अमित श्रीवास्तव जी द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि 4 सप्ताह का मुझे समय दिया जाए, क्योंकि मुकदमा नंबर 610/91 जो विजय शंकर सुखी द्वारा मुकदमा दाखिल किया गया है उसमें रिपोर्ट दाखिल करना है, या आदेश हाईकोर्ट का आदेश से है कि वहाँ रिपोर्ट दाखिल करना है। रिपोर्ट तैयार करके दाखिल करने तक इसको न पब्लिक डोमेन पर लाया जाए और न ही किसी अधिवक्ता को प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि इससे सीक्रेसी बिगड़ सकती है, मुझे दिक्कत हो सकता है। ये भी बता दें, एएसआई ने ज्ञानवापी परिसर में GPR, फोटोग्राफ, वीडियोग्राफी समेत सभी पहलुओं पर सर्वे किया था। एएसआई ने 36 दिन में इसकी रिपोर्ट तैयार की। इसमें GPR रिपोर्ट तैयार करने में 30 दिन लगे। बुधवार को सबके रिपोर्ट के सार्वजनिक होने का इंतजार था, जो अब बढ़ा दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।